प्रणाम गणेश भैया। प्रणाम। परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, मेरी भी कुछ मान्यताएं पहले थी, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। जबकि अभ्यास करते करते अब मैं देखता हूं कि मेरी हार्मनी मेंटेन हो रही है, हार्मनी में आ रहा हूं सभी तल पर, लेकिन परिवार उससे कई बार, और जो क्लोजेस्ट हैं वाइफ हैं या जो वो लोग हैं, वो थोड़ा डिसहार्मनी में चले जाते हैं। और जब वो डिसहार्मनी में जाते हैं मेरे संबंध को फैलने की वजह से, तो थोड़ा उनकी डिसहार्मनी को देख के या उनको महसूस करके थोड़ा मुझे समझ नहीं आता। और हल्की सी, मैं ये नहीं कहूँगा डिसहार्मनी, लेकिन समझ नहीं पाता हूँ कि उस समय क्या हो रहा होता है। तो उसके लिए क्या करें हम, जो हमारी जो बटने का भाव है उसको किस तरह से हम करें कि उनको भी तकलीफ नहीं हो और हम भी उसमें उनकी भी समझ समझ बढ़ सके। लेकिन समझ बढ़ाने के लिए ना तो वो संवाद करना चाहते हैं, ना समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी स्थिति समझ नहीं आती, क्या करना चाहिए? दो चीज का ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है इसमें। एक तो यह है कि कई बार कोई अच्छी चीज हमको मिल जाती है ना, तो हम उसमें बहुत गलती करने लगते हैं। हमको लगता है कि सबको ये दिख जाए, सबको समझ में आ जाए, है ना, सभी बदल जाए। तो ये जल्दी तो नहीं हो रही है हमारी तरफ से, एक तो ये चेक करना है, क्योंकि हम जो जल्दी करते हैं उससे लोग परेशान होते हैं। तो एक ये ध्यान रखें कि हम जल्दी तो नहीं कर रहे। दूसरा, अगर हम धैर्य से चल रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, है ना, तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि जैसे हमको अपने संस्कार पर काम करने में बहुत समय लग रहा है, वैसे तो दूसरे व्यक्ति को भी लगेगा ही। ये अगर दिखेगा तो फिर हम उसमें धैर्य नहीं खोएंगे। तो दो बातें मैं कह रहा हूं उसमें, एक तो ये कह रहा हूं कि हमको अपने पर काम शुरू कर देना चाहिए, दूसरे को बदलने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपने पर काम शुरू करेंगे तो हमको ये भी दिखता है कि दूसरे को भी समय लगता है, जैसे हमको अपने संस्कार पर समय लग रहा है, वैसे दूसरे को अपने संस्कार पर समय लगेगा। उनको जो पीड़ा होती है वो उनके संस्कार के कारण हो रही है, तो संस्कार अभी बदले नहीं है, आपके कुछ बदल गए है ना, उनका बदला नहीं है, इसलिए वो अपने संस्कार से मूल्यांकन करते हैं और उनको लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे, तो वो पीड़ित होते हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि उनकी पीड़ा के कारण आप पीड़ित क्यों हो रहे हैं। साथ रहते हैं भैया पूरा टाइम, देखते हैं किसी को पीड़ा में है तो कहीं ना कहीं तो हमारे कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। आप उसका कारण यह है कि आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके संस्कार तुरंत बदल जाए और नहीं बदल रहे। अगर हमको ये दिखता कि संस्कार को बदलने में टाइम लगता ही है ना, पर आज के दिन जो उनके संस्कार हैं उसके तहत तो वो इसको ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम धैर्य रखते, हम ये अपेक्षा ही नहीं करते कि तुरंत बदल जाए। हम तो इसमें यह कह रहे हैं कि हमको ये प्रोसेस समझ में आए कि हमारे संस्कार को बदलने में हमको समय लगता है, दूसरे को संस्कार को बदलने में दूसरे को समय लगेगा। नहीं, तो उनके, अभी उनके उनके संस्कार को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, तो अगर उनका संस्कार नहीं बदलेगा तो उनको तकलीफ होगी, अपने संस्कार से वो जो देखेंगे आपके एक्टिविटी को उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, तो दुखी होंगे। वो दुखी होने से हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हमको समझ में आना चाहिए कि भाई ये तो दुखी होंगे ही, एक बात। दूसरी बात, जो अभी आपने एक निष्कर्ष कही वो भी इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है कि जब हमको दिखता है कि ये संस्कार के साथ दुखी होने वाले ही है और हम चाहते हैं कि अभी वो इतनी जल्दी दुखी ना हो, कम से कम हमारे कारण, तो हम थोड़ा धीमे गति से चलेंगे। ओके, और ध्यान रखिए जो होती है गलती हम लोगों से ज्यादातर समय, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं हम उनके उनका अवमूल्यन करने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि हमको समझ में आ गया, तुमको समझ में नहीं आया है ना भैया, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा भैया। कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हो रहा है तो ठीक कर ले, है ना। ये जो हम एटीट्यूड कहीं ना कहीं रखते हैं अपना कि तुम को
नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, वो भी बहुत आहत करता है लोगों को। जी जी, तो इसलिए हमको जो लाइन लेना है वो तो ये कि भाई हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सम्मान बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी बहुत बार क्या होता है कि हमको कोई चीज ठीक लग जाती है, हमको कुछ समझ में आने लगता है, तो हम दूसरे का अवमूल्यन शुरू कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी, पूरे समाज का भी, पूरी परंपरा का भी, ये सब हम करने लगते हैं, जबकि हमारा कोई बहुत गति हुआ नहीं रहता है। तो बहुत धैर्य चाहिए। अगर हमारे में वास्तव में बदलाव होगा तो लोग खुद स्वीकारने लगेंगे हमको, वास्तव में नहीं होगा तो हम जबरदस्ती उनके साथ करेंगे कि वो हमको स्वीकारें, वो स्वीकारते नहीं।